हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग जो है एक इंटरेस्टिंग सेल का वेट कर रहे थे, जो कि यार एक शानदार सेल होनी चाहिए थी। होली सेल, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों ही जो है इस सेल के अंदर कूदने वाले हैं और हम लोगों को जो है, हम कंज्यूमर को काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ऑफर मिलने वाले हैं। गाइस, फाइनली फ्लिपकार्ट ने अनाउंस कर दिया है उनकी सेल डेट, किस किस ब्रांड पर आपको जो है ऑफर देखने को मिलेंगे, किस बैंक के कार्ड से आपको जो है अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। पहले तो हम रूमर्स वगैरह देख रहे थे कि फ्लिपकार्ट की जो है होली सेल आने वाली है, लेकिन फाइनली फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनकी फ्लिपकार्ट होली सेल, या फिर हम बोले कि फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल, जो नाम होने वाला है ना, वो होने वाला है फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल। और वहां पर सेल चलने वाली है, 5 दिन की सेल होने वाली है, 12 मार्च से लेकर 16 मार्च तक आपको जो है ये सेल देखने को मिलेगी। गाइस, इसमें जो है ना काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। Realme के जो है काफी सारे फोन जो है एक अच्छे डिस्काउंट पे जो है देखने को मिल सकते हैं, एंड इसके अलावा जो है Poco, Samsung, Infinix सभी जो है इस सेल के अंदर खोदने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो है ऑफर डिटेल आ गई है, आपको SBI बैंक के कार्ड के साथ में आपको जो है 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब मैक्सिमम कैपिंग कितना होगा, 1250, 1500 या फिर जो है 1000 रुपये, वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो गाइस आपको जो है 10% का जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम कैपिंग के ऊपर जो है डिपेंड करेगा, और इसके अलावा जो है ब्रांड तो अपने अपना जो है डिस्काउंट देने ही वाले हैं, किसी फोन पे 1000 रुपये, किसी फोन पे 1500 रुपये और किसी फोन पे जो है 2000 रुपये, एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और वहीं गाइस, अगर आप जो है फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हो तो आपके लिए जो है एक दिन पहले सेल स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर के लिए 11 मार्च से 16 मार्च तक जो है सेल रहने वाली है, और नॉर्मल कंज्यूमर के लिए 12 मार्च से 16 मार्च तक जो है सेल रहने वाली है। और गाइस, अब फ्लिपकार्ट की सेल डेट अनाउंस हो चुकी है, ऑफर्स वगैरह जो है जल्दी रिवील हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन गाइस, अगर फ्लिपकार्ट की सेल रिवील हो गई है तो अमेज़न कहां चुप बैठने वाला है। अमेज़न भी जो है 12 या फिर जो है 13 तारीख को जो है सेल डेट जो है उनकी अनाउंस हो जाएगी। आपको कोई भी फोन परचेस करना हो फ्लिपकार्ट या अमेज़न से, तो आपको ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5-6 दिन वेट करने हैं और आपको जो है एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे उम्मीद यही है कि अमेज़न की जो यहाँ पे कार्ड डिस्काउंट होगा ना, या तो HDFC बैंक होगा या फिर जो है एक्सिस बैंक हो सकता है, क्योंकि SBI क्रेडिट कार्ड तो फ्लिपकार्ट पे आ चुका है। तो यहाँ पे अमेज़न की अगर बात करते हैं तो वहां पर ज्यादा चांस है कि HDFC बैंक का डिस्काउंट आ जाए, जो कि उनकी यहाँ पे होली सेल होगी। उनका नाम क्या होगा वो तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, जैसे ही सेल डेट अनाउंस होगी या फिर जो है यहाँ पे प्राइस वगैरह रिवील होगी, हम आपके लिए जो है एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना देंगे। तो गाइस, ये था एक छोटा सा क्विक रिव्यू, आपके लिए इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपको जो है अभी फोन परचेज नहीं करना है, सिर्फ 5-6 दिन वेट करके आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट में जो है फोन को परचेज करना है। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आप वेट कर रहे थे फ्लिपकार्ट की होली सेल या फिर जो है अमेज़न की होली सेल का, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।